हेलो एवरीवन, सबका वेलकम है। भूपिक्षा के संसार में भी बज रहा है सुबह का साथ। और आज तो बहुत ज़्यादा नींद आ गई सुबह सुबह। अभी मौसम अभी ठीक हो रहा है बाहर। और सबको गुड मॉर्निंग। और अपना लाइन स्टार्ट करते हैं। सबको नमस्ते, जय देव, प्रणाम एंड राम राम। तो दोस्तों, अभी हम हैं गाजीपुर सिटी में और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज 7। और अभी दीक्षा कुछ लाई है मेरे लिए, क्योंकि सुबह हम कलौंजी और थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा सा पेट अच्छा रहता है उससे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और दीक्षा अभी कुछ लगता है साफ़ सफाई में लगी हुई है। और आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी आपको मैं प्लांट्स दिखाऊंगा, कौन कौन से प्लांट्स हम लेके आए हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। और ये है किचन जो सेट हो चुका है, ये है कलौंजी, और ये है पानी, ये दीक्षा का है और मेरा है। दीक्षा, तो गाइस एक्चुअली घर पे बहुत सारी छिपकलियाँ हैं। दीक्षा बहुत डर रही है छिपकलियों से। मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं तो मानता हूँ कि छिपकलियाँ क्या हैं। छिपकलियाँ खाने में गिर गई तो छिपकली है लक्ष्मी का रूप, मेरी मम्मी कहती थी। उनके बच्चे भी है। थोड़ा सुबह सुबह अजीब सा हो जाते हैं ना, मेरे तो बार बार अजीब से लग रहा है। बट मुझको वहां से नींद आई आज बहुत ज्यादा, अभी भी नहीं थक रही है। सुबह सुबह पानी पीने से थोड़ा सा क्या रहता है कि पेट का पाचन सही रहता है। फिर आप तुरंत वॉशरूम चले जाइए और आपका पेट साफ क्लीन। दीक्षा, तुम क्यों नहीं पी रहे? तुम भी पियो। पीते हैं खोला है गेट नीचे का। खोल के आ जाओ, तुम गई होती शायद। आपकी ड्यूटी है इसे ऐसा ड्यूटी में बताया करो जिसमें कहीं जाना होता है। सुबह सुबह वॉक हो जाएगी ना। अच्छा, तो भाई अभी मैं जाता हूँ नीचे गेट खोलना है, क्योंकि काम वाली आएगी और साफ वाफ करेगी, तो उसके लिए नीचे जाना ज़रूरी है। अभी हमारा कुछ सामान अभी हमारा आया नहीं है, क्योंकि कपड़ों वाला बैग नहीं आया, क्योंकि बारिश वारिश होने के चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि आप हम आपको 22 के अराउंड डिलीवर करेंगे। अब देखते हैं कब आएंगे हमारे कपड़ों के बैग्स। दीक्षा, और दोस्तों आप लोग कैसे हैं हाँ जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। इसके लिए सबको सॉरी पहले कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाए। थोड़ा सा एक्चुअली बिजी हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से हमको इधर आना था गाजीपुर, फिर उसके बाद हम कहीं रुके। तो दोस्तों, पानी वानी तो मैंने पी लिया है, अब हो चुका है। पूरा पानी पी लेता हूँ एक बार, फिर बताऊँगा कि पूरा पी लिया। अब मैं जरा जाता हूँ जल्दी नीचे से। कर दिया मैंने, कर दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रैंक था मुझे उठाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं जाता हूँ वॉशरूम। गड़गड़ हो रहा है, दिख सही उनको देख रही है, कुछ ज्यादा ही गुड़ गुड़ हो रहा है। तो मैं जाता हूँ। दिख, चाय वाय तो बना दोगे ना सुबह? बना दोगे क्या होता है, हर दिन तो बनाती हूँ। हाँ, लो अभी वैसे बना दोगे ना तुरंत ही। अच्छा, तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग वॉशरूम से आने के बाद। तो मैं आ गया हूँ वॉशरूम से। अब दीक्षा की गरम गरम चाय पीते हैं। दीक्षा, चाय ला दो मेरे लिए।
तो अभी आपको चाय दिखाता हूँ, देख सकते स्पेशल चाय देख सकते। उसमें क्या डालती हो तुम? कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता क्यों डालूंगी चाय में क्या बुद्धू? डालती हो फिर? कुछ तो डालती हो। क्या डालते हो बताओ, पहले बुद्धू और तो बताओ क्या डालते हो? तेज पत्ता। ओ तेज पत्ता डालती है दीक्षा, सॉरी। तो ये पीते हैं तेज पत्ते वाली चाय और स्टार्ट करते हैं अपनी गुड मॉर्निंग इंडिया। तो दोस्तों दीक्षा ला गई है चाय, और क्या है दीक्षा साथ में? पाव, जो जो कि मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा उस दिन जब हमारे पेट में दर्द हुआ था तो उस दिन तो तुम कह रही थी कि कहते हैं मैं आज से मैदे वाली चीज़ नहीं खाऊंगा। ये कौन सी है, किस चीज़ की होता है? नहीं वो क्रंची बना के लाई हूँ आपके लिए, ओके। चाय पीते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है, अराउंड 8 बजने वाला है। कम मैं ज़्यादा वाली चाय में लेता हूँ, ज़्यादा वाली चाय मुझको लेनी पड़ेगी। मेरे ख्वाबों में जो नाइस चाय, तो पीते हैं चाय, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। दीक्षा हाउ आर यू? गुड। तो दीक्षा अभी कुछ शायद कूड़ा वड़ा फेंकने गई थी, और दीक्षा कुछ अपने कुछ प्लांट्स भी लाई है। देखिए ये है प्लांट दीक्षा के, जो कल दीक्षा हरेला में खरीद के लेके आई। और गाइस सबको हैप्पी हरेला, बिलेटेड हैप्पी हरेला। हम एक्चुअली वेस्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। और वो है पोछा, अभी आएगी काम वाली तो लगाएगी पोछा, दीक्षा की फेवरेट काम वाली पोछा। पोछा बाई क्या है दीक्षा नाम, उसका नाम सुशीला। सुशीला बाई। तो मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, आज जरा स्पोर्ट किट लुक में जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली ब्रांच में। और दीक्षा ने बना दिया है वो ऑफिस के लिए खाना वाना। दीक्षा मुझको तुम्हारी याद आएगी आज ऑफिस में, हाँ आई लग रहा है, आ भी सकती है यार। याद भी नहीं आती तो फिर भी तो तुम 10 कॉल तो कर ही देती हो। वो मेरा हक है, हक अधिकार, अधिकार क्षेत्र में है तुम्हारे। वो मैं करूंगी ठीक है। चलो दोस्तों अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मिलता हूँ अभी शाम को क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तब तक के लिए बाय। दीक्षा ने दीक्षा सुन दीक्षा ने इसमें चावल बनाया है, और यहाँ दाल बन रही है, और यहाँ क्या बना दीक्षा? सब्जी। सब्जी तो मल्टीपर्पज़ काम हो रहा है आज क्योंकि ऑफिस में यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो मैं खाना यहीं से ले आता हूँ अपना, और दीक्षा मेरे अच्छा अच्छा खाना पैक कर देती है। ये मैं छोटा सा टिफिन, ओ माय बोरोसिल का टिफिन। दीक्षा क्या हुआ, अच्छे से बर्तन धोए? और आरो भी हमारा लग गया है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर, अभी बज रहे हैं शाम के 7, और दिक्कू लगी है कुछ काम में। दिक्कू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये रूम सही करना है क्या? पता है मैंने तुम्हें आज मिस किया, मुझे मुझे ना 60 मिनट भी 1 घंटे जैसे लग रहा था। तो दोस्तों मेरे कपड़े वपड़े तो चेंज कर लिए हैं, बट अभी थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज आज बहुत आज थोड़ा सा गर्मी कम है तो आज नहाऊंगा नहीं। दीक्षा मेरे चाय बना दोगी क्या? मैं तो चाय बहुत मिस करी आज, मैंने ऐसा लग रहा था जैसे 60 मिनट 1 घंटे के जैसे हैं। है? ऐसे लगता है आपको 120 मिनट्स घूमने में ऐसे नहीं लगे? नहले पे दहला मार रही हो तुम। चलो मैं मुंह धो लेता हूँ फिर। हाँ
तो दोस्तों चाय का वेट किया जा रहा है यहाँ पे। कपड़ा लाएगी दीक्षा चाय, दीक्षा के चाय का। दीक्षा शायद चाय बना रही क्या, कभी पता नहीं। शायद वो दीक्षा बहुत परेशान हो गई है। क्या हो? चीनी क्या घुस गई? चींटियां देखो। ओहो, कोई नहीं, चींटियां हटा दो, इसमें चाय में डाल दो ना। ऐसी चींटियां कैसे घुस गई यार? हर सामान में चींटी घुस जा रही है यहाँ। तो यहाँ बिक्कू ने चाय बना दी है, इसमें डालिए कड़ी पत्ता, तेज पत्ता तेज भूल पत्ता, मतलब भूल जाता हूँ यार। उसको छान के डाल दो ना तुम, मैं छान के खा लूंगा। तो गाइस आज दीक्षा ने टॉयलेट वॉयलेट साफ करी है, तो दीक्षा बहुत परेशान हो गई। बोली कि मैंने आज ना, वो कहते दूसरे की टॉयलेट साफ करी है, तो कहने उसमें उसमें क्या कहते हैं, कितने बिंदी। सारे बिंदियां चिपकाई थी यार, ऐसा लग रहा पूरी दीवार में बिंदी बिंदी चिपका के गए हैं। कोई नहीं, ये तो सब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब कुछ करना पड़ता है। अपना घर साफ रखने के लिए करना ही पड़ेगा। पहले भी तो मैं भी ये सारी चीज करता था। अरे सारे काम करता था यार मैं दीक्षा। चलो चाय तो लाओ, फिर चाय पीते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तब सुबह तक भी चाय मिलता दिखाते हो, रहो। शाम को भी चाय दिखाओगे, वो लोग सब लोग मेरी चाय के भी लिए, सब मेरे चाय के दीवाने हो गए हैं बोलेंगे। कि मैं कितना चाय पीता हूँ। चाय तो मेरा फेवरेट है ना। दो चीज़ मेरी फेवरेट है, एक चाय और एक दीक्षा। बगल से पासवर्ड मांग लो यार, फ्री का वाईफाई चलाएंगे। मांग लो ना भाभी से, मांग लो ना। गाइस मैं दीक्षा से बोल रहा हूँ कि बगल से पासवर्ड मांग लो, क्योंकि आज मूवी देखते हैं। तूफान, कौन सी तूफानी तूफान करके आई हुई ना। अच्छा ये तो मजा है यार, बच्चे वाली हरकतें। तुम क्या खा रही हो? बन बन खा खा के तुम अपने लिए बन लाई ना, मेरे लिए तो लाई नहीं। मैंने तो खुद ने खाया, लेकिन सबको बताते हैं कि मैं लाई नहीं। कल क्या खाओगे? आपको पसंद नहीं है तो मैंने खा कल ली, तुम क्या खाओगे? आपको बन ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खा ली। चाट मसाला कल क्या खाओगे? स्पेशल बनाने वाला है, मिट्टी बना देना। मिट्टी खाओगी क्या? तो दोस्तों मैंने दीक्षा को भेज दिया है पासवर्ड लेने के लिए, और फिर देखेंगे मूवी। इसको कहते हैं पासवर्ड की चोरी कैसे की जाए। दोस्तों मैं सोच रहा था कि बाहर से कुछ चिकन विकन मंगा लिया जाए, बट यहाँ पे कोई लगता है कोई नियर बाई चिकन सेंटर तो है नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं कल कुछ बनाएं, कुछ नॉन वेज टाइप का, लाइक मटन चिकन मछली। मछली तो नहीं बनाएंगे, मटन देखते हैं। अच्छा मटन, गाजीपुर का मटन कैसा है, और देखते हैं कोई डिश, अच्छी सी डिश बनाते हैं। देख सके ये अभी हनी को छोड़ने और पासवर्ड की चोरी करने। तो दोस्तों आज हमारे वहाँ पे छोटा सा बच्चा आया है। क्या खा रहे हो? क्या है ये? रस्क? ओह गुड गुड। बाय हनी। तो दोस्तों दीक्षा ने खाना बना दिया है। दीक्षा ने खाना, दीक्षा क्या बनाया खाने में? बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन। खुद भी बैंगन जैसी ही हो। बैंगन तो पतला है, तो मोटी होगी दोस्तों। तो दीक्षा ने बनाया आज बैंगन की सब्जी, खा
खाते हैं बैगन दीक्षा के हाथों का खाना है, पेट भर के खाना है ना। अगर नहीं खाऊंगा तो दीक्षा बोलेगी, क्या बोलेगी दीक्षा? क्या बोलती हूँ, क्या बोलोगे तुम? क्या बोलती हूँ दीक्षा बता। बोलेगी इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप खाना खाता हूँ, अभी रात के बज रहे हैं कितना, 9। तो खाना खाते हैं और फिर आज एक मूवी देखनी है हमें, कौन सी? तूफान। तूफान तूफानी, तूफान है क्या? तूफानी, मुझे नहीं पता, आप ही बोल फरहान रहे थे। आई थिंक अख्तर की, फरहान अख्तर है ना, फरहान अख्तर की मूवी देखेंगे आज प्राइम वीडियो में, फिर उसके बाद सोएंगे। और सुबह हम जाएंगे कहाँ घाट देखते हैं, आसपास के घाट में, कौन से घाट में हम जा सकते हैं। अभी जरा बरसात का मौसम भी चल रहा है, कहीं घाट वाट में भी जाना अलाउ ना, मंदिर भी है पास में तो बरसात देखते का हैं। मौसम, आज ही तो बारिश हुई है यहाँ पे इतने दिनों बाद। फिर घाट भर तो ना गया होगा, घाट भर गया होगा क्या? पानी वानी कभी भी तेज आ सकता है ना, यहाँ 2013 नहीं में इतना पानी आया था, कह रहे हैं कि यहाँ पूरा घर डूब गए थे। कहाँ, यहाँ पे वो तो सेकंड फ्लोर पे ही डूबेगा। तो गाइज मिलते हैं कल और यहीं पर ब्लॉग दो हजार खत्म। तेरह में तो क्या बोलता, आपदा कहाँ आया, कब आई थी उत्तराखंड? तो दोस्तों मिलते हैं कल, अभी खाना वाना खाते हैं फिर थोड़ा सोते हैं, फिर रात में बज रहे हैं 9 तो नींद भी आ रही है, और आज सैटरडे नाइट है तो मूवी भी देख के फिर पता नहीं कहीं बीच बीच में नींद ना आ जाए मुझको आज। ना तो मिलते हैं कल अगेन विद सेम एनर्जी। बाय बोलो, बाय, गुड प्लीज नाइट, लाइक प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड एंड शेयर, थैंक यू। पहाड़ी में तो बोलो लाइक करना, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया एंड शेयर कर दिया ज्यादा से ज्यादा। कज्जू 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 कज्जू।